हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, उसका खर्च होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए, जैसे आप किसी साइकिल के ऊपर बैठे हैं तो आपकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यानी आपके अंदर जो एनर्जी थी वो उसी प्रकार से बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप उस साइकिल को चलाना स्टार्ट करते हैं, यानी आपने कुछ कार्य करना स्टार्ट कर दिया, तो आप देखते हैं कि जो आपकी एनर्जी है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, वो खर्च होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकती है। तो दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे हमने साइकिल चलाना स्टार्ट किया तो हमारी जो एनर्जी का लॉस हुआ उसकी वजह से वो साइकिल चल पाई, यानी उस साइकिल के अंदर गति उत्पन्न हुई, उसके अंदर गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो हमारी एनर्जी कहाँ पहुँच गई? हमारी एनर्जी साइकिल की गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर हो गई। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप कहीं पर खड़े हुए हैं तो आपकी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा क्योंकि आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो, लेकिन जैसे आप दौड़ना स्टार्ट करते हो तो आपकी एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाती है, आपको थकान महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी वो आपकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, आपके अंदर गति आ गई। समझ पाए? तो हमेशा ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है, कब? जब कोई वर्क किया जाता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रिसिटी में लेकर के चलते हैं। जब हमारे घर में क्या होते हैं, बहुत सारे उपकरण होते हैं, बिजली से चलने वाले बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। जैसे आपके घर में हीटर है, हीटर क्या करता है? हीटर करता है कि वो आपको ऊष्मा उत्पन्न करता है, आपके लिए गर्मी उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, वो जो ऊष्मा ऊर्जा है वो आती कहाँ से है? भाई, अगर ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है या मतलब ट्रांसफर हो रही है तो वो हो कहाँ से रही है, समझना ये जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसे में समझना क्या है, सिंपल सी बात है कि आपकी जो विद्युत ऊर्जा होगी वो खर्च हो जाएगी और उसी का ट्रांसफर हो जाएगा हीटर की ऊष्मीय ऊर्जा में। और एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके घर में पंखा होता है, फैन होता है, वो आपको हवा देता है। गर्मी, जब गर्मी का मौसम होता है तो वो आपके लिए क्या करता है? हवा करता है। कैसे करता है? क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन कहाँ से ट्रांसफर होती है? विद्युत ऊर्जा से। तो आप समझ पा रहे होंगे कि घर में हमारे जितने भी विद्युत उपकरण हैं, बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, अगर वो कुछ भी कार्य करेंगे तो विद्युत ऊर्जा का लॉस होना जरूरी है, यानी कि विद्युत ऊर्जा कुछ ना कुछ खर्च होगी। जैसे आपके घर में बल्ब होता है तो बल्ब क्या करता है? एक तो आपके लिए प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करता है, एक आपके लिए ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, ये कहाँ से होती है? तो इसका भी सिंपल सा जवाब है, क्योंकि बल्ब कार्य कर रहा है और उस कार्य को करने में एक एनर्जी होगी जो खर्च हो रही होगी। कौन सी एनर्जी? विद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि विद्युत ऊर्जा जो खर्च होती है, हमारे घर में विद्युत ऊर्जा का हम खर्च करते हैं तो उसके लिए हमारे घर पर बिल आता है। तो दोस्तों, उसी का कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं कि जो व्यय विद्युत ऊर्जा होती है, जो खर्च की गई विद्युत ऊर्जा होती है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सभी चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक एग्जाम्पल से हम जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं आज, हम उसको समझ लेते हैं छोटे से एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे कि मेरे घर में क्या है, एक बल्ब है। ठीक है, उस बल्ब की कुछ पावर है, मान के चलिए 100 वाट उस बल्ब की पावर है। ठीक है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि सर ये पावर क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि इस बल्ब की जो पावर है वो 100 वाट है और आप प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में इस बल्ब को चलिए मान लेते हैं कि 10 घंटे जलाते हैं। तो हम लिख देते हैं कि प्रतिदिन ये बल्ब 10 घंटे जलता है। तो हमको क्या निकालना है? हमको जो इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का खर्च होगा वो निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि व्यय विद्युत ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ इसको हम प्रूफ करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी हम डायरेक्टली हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला होता क्या है। तो दोस्तों, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर होता है वाट, अब ये वाट है क्या, ये पावर है, ठीक है, गुणा घंटे। घंटे क्या है? ये समय है, जितने समय तक आप यूज़ करेंगे उस इक्विपमेंट को, और डिवाइड करना है आपको 1000 से। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा जो खर्च हो रही होती है, जो व्यय हो रही होती है, उसको निकालते हैं। लेकिन किस में, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है यूनिट, और इसको हम हिंदी में भी यूनिट ही बोलते हैं।
इस यूनिट का ही एक दूसरा रूप होता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर भी बोलते हैं, किलो वाट घंटा। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूले में हम इस क्वेश्चन को पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि मेरे बल्ब की जो पावर थी वो 100 वाट थी, तो मैंने वाट की जगह कितना लिख दिया, 100। कितने घंटे तक मैं एक दिन में यूज करता था, 10 घंटे, और डिवाइड करना है मुझको 1000 से। तो आप देखेंगे तीनों जीरो से तीनों जीरो कट जाएंगे तो वैल्यू आएगी 1, और मात्रक क्या है, यूनिट है। तो 1 यूनिट मैंने बिजली खर्च कर दी, कितने दिन में, 1 दिन में। चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए कि आप 30 दिन में कितना खर्च करेंगे, यानी कि 30 डेज की बात की जाए जब। तो दोस्तों अगर मैं 1 दिन में 1 यूनिट खर्च कर रहा हूं, तो सिंपल सा जवाब होगा 30 दिन में मैं 30 यूनिट खर्च कर दूंगा इस बल्ब के द्वारा बिजली को। तो 30 यूनिट मैंने खर्च कर दी। अब क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया रहे कि 20 रुपये आपको पे करने होंगे, देने होंगे प्रति यूनिट के हिसाब से। तो दोस्तों इस 30 यूनिट के आप कितने रुपए दोगे, अगर 1 यूनिट के 20 रुपये दे रहे हो तो आपका जवाब होगा 600 रुपये मुझको देने होंगे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में करने वाले हैं, और ये जो फॉर्मूला है इसको भी हम प्रूफ करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर ये जो वाट आया है, ये वाट क्या है, ये पावर है, ये पावर होती क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं विद्युत शक्ति की, यानी इलेक्ट्रिक पावर की। ठीक है, तो दोस्तों किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसमें प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, यानी व्यय होती है। अगर दोस्तों प्रतिरोध नहीं है तब भी कुछ ना कुछ विद्युत ऊर्जा जरूर खर्च होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता जाता है तो प्रतिरोध के बढ़ने के साथ आपकी जो विद्युत ऊर्जा का खर्च होता है वो भी बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जब विद्युत ऊर्जा खर्च होगी तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है कि किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अब दोस्तों क्या मतलब है इस व्यय विद्युत ऊर्जा की दर का, तो दोस्तों इसका मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, विद्युत शक्ति बराबर होता है व्यय विद्युत ऊर्जा डिवाइडेड बाई समय। ठीक है, यानी आप एक एकांक समय में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहे हो वही आपकी विद्युत शक्ति है। अगर मैं किसी बल्ब की बात करता हूं जो एकांक समय में, मान के चलिए 1 सेकंड में कुछ विद्युत ऊर्जा व्यय कर रहा है, कुछ विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो उस बल्ब की वही क्या कहलाएगी, वही उसकी विद्युत शक्ति कहलाएगी। आई होप आप विद्युत शक्ति समझ गए होंगे। चलिए अब इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए कि टी सेकेंड में व्यय विद्युत ऊर्जा अगर डब्लू जूल हो तो परिपथ की विद्युत शक्ति कितनी होगी। तो हमको जो विद्युत ऊर्जा खर्च हुई है उसकी वैल्यू दे रखी है डब्लू जूल, और समय दे रखा है टी सेकेंड। ठीक है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, डब्लू जूल बटा टी सेकेंड हो जाएगा। जूल इसलिए क्योंकि ये ऊर्जा की बात की जा रही है, एनर्जी की बात की जा रही है। पी बराबर डब्लू जूल डिवाइडेड बाई टी सेकेंड, तो डब्लू बाई टी जूल पर सेकेंड, और जैसा कि आप जानते हैं पहले से कि जूल पर सेकेंड बराबर होता है वाट। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी डब्लू बाई टी वाट। समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आपको एक यहां पर दिख रहा होगा कि पी का जो ये फॉर्मूला है, ये पी बराबर डब्लू बाई टी, तो इसके अकॉर्डिंग जो पी की वैल्यू होगी, जो पावर की वैल्यू होगी, वो डिपेंड करेगी डब्लू की वैल्यू पर और टी की वैल्यू पर। तो दोस्तों ऐसे में हमारे पास डब्लू की कई सारी वैल्यू होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ये हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उस फॉर्मूले में यहाँ पर कई बार आपको पावर डायरेक्टली नहीं दी जाएगी, मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये जो W है इसकी कई सारी वैल्यू होती हैं, उसके अकॉर्डिंग P की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। तो चलिए हम W की वैल्यू देख लेते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ये जो W है इसके मान हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से निकलेंगे। तो उसके लिए जैसा कि आपको विभवांतर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। विभवांतर की डेफिनेशन क्या कहती है, विभवांतर की डेफिनेशन कहती है कि अगर आपके पास मान के चलिए ये एक आवेश है, क्यू आवेश। ठीक है, तो इसको हम कूलाम में मेजर करते हैं, तो आपके पास क्यू कूलाम आवेश है, उसको आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाते हो, तो उसके लिए आपको ये डब्लू कार्य करना पड़ता है। तो मैं लिख देता हूँ, डब्लू जूल आपकी जो एनर्जी है उसका लॉस होता है, यानी आपको डब्लू जूल कार्य करना होता है। तो वहां पर जो विभवांतर होता है उन दोनों बिंदुओं के बीच, वो वी होगा, वी। ठीक है, विभवांतर क्या होगा, V होगा। तो इस V को हम कैसे मेजर करेंगे, और इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट में। ठीक है, तो इस V के फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं कि V बराबर होगा क्या। तो दोस्तों V बराबर होगा W जूल डिवाइडेड बाई Q कूलाम।
ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपसे W की वैल्यू पूछता हूं जो हमको चाहिए थी, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू, इसको मैं इक्वेशन वन मान लेता हूं। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों को क्या धारा, विद्युत धारा की डेफिनेशन याद है? तो विद्युत धारा की डेफिनेशन सिंपल सी होती थी, I बराबर क्यू अपॉन टी, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि ये टी सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो क्या कहलाता था, मेरा विद्युत धारा कहलाती थी। तो दोस्तों इस इक्वेशन से अगर मैं आपसे क्यू की वैल्यू पूछता हूं तो आप कहेंगे क्यू यहीं पर रहेगा और टी इधर आ जाएगा, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आई इंटू टी। तो ये एक इक्वेशन हो गई, और इस इक्वेशन से मैं क्यू की वैल्यू यहां फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो डब्ल्यू बराबर वी तो ऐसे ही रहेगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी आई इंटू टी। तो दोस्तों ये मेरी क्या निकल के आई, ये मेरे W का पहला मान निकल के आया, समझ पाए। चलिए अब हम W का दूसरा मान निकालते हैं। अब दोस्तों आपको ओम का नियम याद होना चाहिए, ठीक है, ओम्स लो। हम ओम्स लो से हम क्या करेंगे और इसकी वैल्यूज निकालेंगे। ओम्स लो क्या कहता है, V बराबर आई आर, सॉरी ये V है, V बराबर आई इंटू आर, ये क्या है, ये R है। अब दोस्तों ओम का नियम ये नहीं है कि V बराबर आई आर, ओम का नियम ये कहता है कि V बराबर आई आर तब जब R कांस्टेंट हो, तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, चलिए कांस्टेंट है R। तो यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू की बात करता हूँ तो आप समझ पा रहे होंगे कि V की वैल्यू आई आर यहाँ पर हमें दिख रही है, ठीक है। और मैं इक्वेशन वन में, सॉरी इक्वेशन जो ये वन है इसमें मैं क्या करता हूँ, V की वैल्यू आई आर पुट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ W बराबर क्या निकल के आएगा। तो आप देखेंगे V की जगह मैंने आई आर पुट किया और यहाँ पर I इंटू टी पहले से मौजूद था, तो I इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये की वैल्यू किसकी आ गई, W की। ये इक्वेशन हम B मान लेते हैं, तो ये दूसरा मान निकल के आया W का। अब अगर मैं इस ओम के नियम से बात करता हूँ I बराबर, तो I बराबर हो जाएगा V यहीं पर रहेगा, R नीचे पहुँच जाएगा, ठीक है यार, नीचे पहुँच गया। तो ये जो I की वैल्यू है इसे अब मैं फिर से इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, किस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन A है इसमें। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, V तो ऐसे ही रहेगा, I की जगह हम क्या पुट करेंगे, V अपॉन R पुट करेंगे और इन टू में T पुट, T ऐसे ही रहेगा। तो W बराबर कितना निकल के आ जाएगा, V का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई R इंटू T, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, C हो गई। तो हमने W के तीन मान निकाल लिए, इनको हम अलग से नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि W के जो तीनों मान निकल के आए हैं वो क्या हैं, W बराबर पहले आया वी आई टी, बराबर किसके आया, आई स्क्वायर आर इंटू टी के, ये दूसरा मान था, और तीसरा मान था V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी। अब दोस्तों ये तीनों मान के अकॉर्डिंग जो P की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, तो उनको अब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे V व I के पदों में, ठीक है ये पूरा आप नोट लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, पदों में P की वैल्यू, V व I के पदों में P की वैल्यू। तो दोस्तों जैसा कि हमको पता था कि P बराबर ऑलरेडी हम जानते हैं W बाई टी होता है, लेकिन हमें P की वैल्यू V व I के पदों में चाहिए, तो हम ये वाली वैल्यू W की यहाँ पर पुट करेंगे। तो क्या आएगा, V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू आई। तो यहाँ से हमने देखा कि P की जो मेरी पहली वैल्यू निकल के आई वो आई P बराबर V इंटू में I, ठीक है ये पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू निकालेंगे हम I व R के पदों में, ठीक है ये पूरा आप लिख लीजिएगा, V व R के पदों में हम P की वैल्यू निकालेंगे। तो P बराबर हम ऑलरेडी जानते हैं W बाई टी होता है, और I व R के पदों में हम ये W की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आई स्क्वायर आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई कितना रहेगा, टी ही रहेगा। तो आपको आगे क्या बच के जाएगा, आगे बच जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो हम क्या कह सकते हैं कि P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ये P की दूसरी वैल्यू हो जाएगी। तीसरी वैल्यू की हम बात करते हैं तो तीसरी वैल्यू V व R के पदों में रहेगी। तो दोस्तों P बराबर हम जानते हैं W बाई टी होता है, इस बार हम थर्ड वैल्यू जो है ये, इस थर्ड वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो दोस्तों V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R नीचे आ जाएगा, ये जो R है वो नीचे आ जाएगा, R के साथ में ये T पहले से ऑलरेडी यहाँ पर है और एक T ऊपर है, ठीक है इतनी कैलकुलेशन तो आप जानते होंगे, T से T कट जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो मैं यहाँ से P की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ कि P की वैल्यू इस बार आ गई है V स्क्वायर अपॉन R, तो ये P की तीसरी वैल्यू आ गई। दोस्तों ये तीनों जो वैल्यू हैं,
पहली बात तो ये कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं, यानी डायरेक्टली पी की वैल्यू इन पदों में आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि जो हम लोगों ने शुरुआत में व्यय विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले में आगे चल के इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपको ये पी की वैल्यू किस में होती है, जैसे आप जानते हैं पी की वैल्यू वाट में होती है। आपके घर में कोई उपकरण है जो 400 वाट का है, तो डायरेक्टली आपको ये 400 वाट जो है वैल्यू वो क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगी, यानी आपको कुछ इन टर्म्स में मिलेगी, वी के या आई के टर्म्स में आपको ये वैल्यू दे देगा, आई आर के टर्म दे देगा, वी आर के टर्म में ये वैल्यू दे देगा, तो आपको पी की वैल्यू खुद से निकालनी होगी। तो इसलिए हमने ये तीनों चीज़ें प्रूफ कर ली, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा को, ये सॉरी को नहीं होगा, इसको आप कर लीजिएगा के, विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा के मात्रक की तो वो भी जूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हमें विद्युत ऊर्जा को जूल में मेजर करना चाहिए? तो नहीं, वो इसलिए क्योंकि जूल बहुत छोटा मात्रक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम अगली लाइन पढ़ेंगे, परंतु व्यवहारिक कार्यों, घरों तथा कारखाने, ऑफिस वगैरह वगैरह में व्यय विद्युत ऊर्जा, यानी जो खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा है, उसकी माप एक बड़े मात्रक 1 किलोवाट घंटे से की जाती है। यानी यहाँ पर हम जूल में मेजर नहीं करेंगे, जो हमारी विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है उसको हम मेजर करते हैं किलोवाट घंटे में, ठीक है। और ये किलोवाट घंटे को ही हम बोलते हैं एक यूनिट। तो दोस्तों ये वाला जो नोट पॉइंट है इसको भी आप लिख लीजिएगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 किलोवाट घंटे में हम मापते हैं, तो इसी 1 किलोवाट घंटे को सामान्य भाषा में हम एक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है, यानी ये यूनिट की डेफिनेशन है। अगर आपको समझ नहीं आती है तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। यानी आपके पास एक परिपथ है, एक सर्किट है, उसमें 1 घंटे में कोई ऐसा उपकरण है जो 1 किलोवाट शक्ति को खर्च कर रहा है, समझ पा रहे हो ना, 1 घंटे में 1 किलोवाट शक्ति को खर्च कर रहा है, तो वो जो खर्च होगा विद्युत ऊर्जा का वो एक यूनिट कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, नॉर्मल सा है, 1 किलोवाट घंटा बराबर, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। किलोवाट को अगर मैं वाट में कन्वर्ट करूँ तो 1000 वाट हो जाएगा, और 1 घंटे को सेकंड में तो 3600 सेकंड हो जाएंगे। अब हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड, तो मैं वाट को जूल पर सेकंड लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये जूल बचेगा, यानी सारी वैल्यू ये जूल में आएगी। तो कितनी वैल्यू आएगी देखते हैं। तो दोस्तों ये सेकंड से सेकंड कटने के बाद 3 जीरो ये थे, 2 जीरो ये, 5 जीरो, और 1 पॉइंट हम इधर खसका देंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे, यानी 3.6 × 10^6 जूल, ठीक है। 1 किलोवाट घंटे की वैल्यू कितनी होगी जूल में, 3.6 × 10^6। ये मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि कई बार एग्जाम में ये जो किलोवाट घंटा है, जिसको हम एक यूनिट भी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट भी बोलते हैं, कई बार आपको जो खर्च होगा वो जूल में पूछ सकता है, ठीक है। और कई बार आपको जूल में निकलवा लेगा तो आपसे किलोवाट आवर आवर में पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनको हम जब ट्रांसफर करेंगे तो 1 किलोवाट घंटे की वैल्यू जूल में कितनी होगी, या फिर जूल की वैल्यू किलोवाट घंटे में कितनी होगी, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की जो माप होती है वो किस तरह से होती है, ये अब हम प्रूफ करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी ये डेफिनेशंस है, इनको पढ़ लेते हैं कि घरों में विद्युत ऊर्जा की खपत ज्ञात करने के लिए विद्युत विभागों द्वारा घर में ऊर्जा मापी यानी एनर्जी मीटर लगाए जाते हैं। आपके घर में एनर्जी मीटर लगे होंगे, जिनको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोल देते हैं, मीटर बोल देते हैं, कि भाई हमारे घर में तो मीटर लगा हुआ है। तो ये मीटर व्यय विद्युत ऊर्जा को सीधे यानी डायरेक्टली किलोवाट घंटे में मापते हैं, और जैसा कि हमें पता है कि किलोवाट घंटा ही क्या होता है, एक यूनिट के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मीटर हैं ये डायरेक्टली उस खर्च हुई विद्युत ऊर्जा को यूनिट में मापते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां से अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि हम व्यय विद्युत ऊर्जा किस तरह से मेजर करेंगे।
ठीक है। तो उसके लिए हम मानते हैं, माना किसी परिपथ में विभवांतर V वोल्ट है, इसमें धारा I एम्पियर है, T सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तब परिपथ में V है विद्युत ऊर्जा। चलिए प्रूफ करते हैं। तो दोस्तों पहले वो वैल्यू लिख लेते हैं कि जो हमें उस पैराग्राफ में दी हुई थी। तो पैराग्राफ में हमको दिया हुआ था कि जिस सर्किट का हमको V विद्युत ऊर्जा निकालनी है, जिस परिपथ में, वहां पर विभवांतर V वोल्ट था, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं उन सभी वैल्यू को, V वोल्ट था। उसके बाद वहां पर जो धारा प्रवाहित की गई थी वो I एम्पियर थी, ठीक है। I एम्पियर में लिख देता हूं F, ठीक है, A फॉर एम्पियर। उसके बाद कितने समय तक, तो दोस्तों समय हमें वहां पर दिया गया था, समय था वहां पर T घंटे, ठीक है, T घंटे तक विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की गई थी। तो हमको क्या निकालना है, V विद्युत ऊर्जा निकालनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता क्या है, जो हमने अभी पढ़ा था, विद्युत शक्ति बराबर कितना होता है, बराबर होता है दोस्तों वी है विद्युत ऊर्जा, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा खर्च हुई है, विद्युत ऊर्जा, और डिवाइडेड बाई कितना होता है बच्चों, समय। तो यहां से हमको चाहिए क्या, यहां से हमको चाहिए V विद्युत ऊर्जा। तो V विद्युत ऊर्जा बराबर हम किससे लिखते थे, W से, यानी कि हमको ये W की वैल्यू चाहिए। तो ये जो समय होगा ये इधर आ जाएगा, तो मैं W बराबर क्या लिख दूंगा, V विद्युत ऊर्जा हमको चाहिए, ये हो जाएगा शक्ति गुणा में समय, यही हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये हम पुट कर लेते हैं जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। शक्ति तो हमको क्वेश्चन के अंदर दी नहीं गई है, तो हम इसको डायरेक्टली मैं पी ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है, पी वाट, ठीक है। लेकिन समय हमको दिया गया है, समय हमको दिया गया है टी घंटे का, तो मैं समय यहां से ये इसमें पुट कर देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों ये क्या हो गया, ये इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि जब हम वाट की जगह किलोवाट का यूज करेंगे तभी हम ये एक किलोवाट निकाल पाएंगे। देखिए यहां से समझिए, हमको क्या निकालना है, हमको जो ये खर्च विद्युत ऊर्जा निकालनी है ये किलोवाट घंटे में निकालनी है, मैंने अभी आपको समझाया था, किलोवाट घंटे में निकालनी है, और इसी को मैं यूनिट बोलता हूं, एक यूनिट, ठीक है। तो चाहे अगर चाहे मैं ये कह दूं कि मुझे जो खर्च विद्युत ऊर्जा है वो यूनिट में निकालनी है, चाहे ये कह दूं कि एक किलोवाट घंटे में निकालनी है, बात एक ही है। तो अगर मुझे जो वैल्यू है डब्ल्यू की वो किलोवाट घंटे में या यूनिट में चाहिए, तो मेरे पास ये जो वाट है ये वाट नहीं होना चाहिए, यहां पर किलोवाट होना चाहिए, तभी तो ये निकलेगी वैल्यू सही। जबकि घंटे की हम बात करते हैं तो यहां पर घंटा घंटा ही है, ये सेकंड नहीं है, ये घंटा ही हमको दिया हुआ है, तो यहां पर हमें घंटे को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वाट को चेंज करना पड़ेगा। तो W बराबर अगर आप वाट की जगह किलोवाट लाएंगे तो आप समझ पा रहे होंगे बच्चों कि यहां पर डिवाइड करना होगा 1000 से। जब हमें किलोवाट से वाट पे जाना होता है तब हम गुणा करते हैं 1000 की, लेकिन अब हमको क्या करना है, अब मुझे इस वाट से किलोवाट पर आना है, तो मुझे 1000 से डिवाइड करना होगा। अब दोस्तों ये जो P यहां पर है, जो पावर है, इसकी वैल्यू तो मुझे दे ही नहीं रखी है, तो मैं P की वैल्यू V तथा I के पदों में यहां पर लिखूंगा, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूं, इस P को यहां से हटा देता हूं, इसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा, V इंटू I लिखूंगा, जैसा कि हमने पीछे प्रूफ किया था। तो दोस्तों मैं यहां पर क्या करता हूं, V इंटू I पुट कर देता हूं, समझ पाए आप, V इंटू I मैंने यहां पर पुट कर दिया। तो मैं इसको लिख देता हूं V इंटू I किलोवाट, ठीक है, और गुणा में मेरे पास क्या था, मेरे पास था T, किस चीज में, घंटे में, यानी कि मैं यहां पर घंटा लिख देता हूं क्योंकि एक घंटे की बात की गई थी। तो दोस्तों यहां से जो फॉर्मूला मेरा बन गया, ये मेरा फॉर्मूला बन के तैयार है। तो इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिखूंगा कि विद्युत ऊर्जा जो खर्च होगी तो उसकी यूनिटों की संख्या कितनी होगी, यूनिट की संख्या, ठीक है, जो W हम मेजर कर रहे हैं वो यूनिटों में ही तो कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया कि यूनिट की संख्या बराबर होगी V इंटू, V क्या होता है, ये विभवांतर है, और ये किस में था, ये वोल्ट में था, समझ पाए। I क्या है, विद्युत धारा है, ये किस में था, ये एम्पियर में था, ठीक है, गुणा ये T क्या है, ये समय है, लेकिन ये किस में था, ये घंटे में था, और डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हमने क्या प्रूफ कर लिया, ये हमने फॉर्मूला प्रूफ कर लिया।
या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों का एक ही निकल के आएगा कि मैंने ये वी जो था ऊपर इसको ऐसे लिखा, आई इसको ऐसे लिखा, टी इसको ऐसे लिखा और डिवाइड कर दिया 1000 से। आगे क्या बचा, आगे मेरे पास देखिए यहाँ पर ये किलोवाट बचा और मेरे पास ये घंटा बचा, तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया किलो वाट घंटा, तो हमें इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आई टी डिवाइडेड बाई 1000 किलो वाट घंटा। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। किसी क्वेश्चन में आपको वी की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, तो आप इस फॉर्मूले से मेजर करेंगे। लेकिन कहीं पर आपको वी और आई की वैल्यू नहीं दे रखी है, यानी केवल पी की वैल्यू दे रखी है, तब आप क्या करेंगे, इस वी आई की जगह केवल पी पुट कर देंगे। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अब आपको यूनिट की वैल्यू चाहिए और वी आई की वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो वो हम पहले ही जान चुके हैं कि वो क्या है, इस वी आई की जगह पी पुट कर देंगे। और पी किस में रहेगा, पी वाट रहेगा। क्यों वाट रहेगा, क्योंकि वोल्ट इंटू एम्पियर वाट होता है, ठीक है, और गुणा में टी ये घंटा रहेगा और डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, और ये आपका एक जो यूनिट की वैल्यू है वो निकल आएगी। हमने कुछ नहीं किया, बस इस वी आई की जगह पी को वापस वैसे ही रख दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट था, ये समझने वाला, सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको क्या करना है, बस ये दो फॉर्मूले लिख लेने हैं, ठीक है, एक तो ये वाला वाट इंटू घंटा डिवाइडेड बाई 1000 और दूसरा ये वी इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 1000। एक तो ये आपको याद रखना है, इनकी जो यूनिट है वो याद रखने है ना, वी विभवांतर है जो ये वोल्ट में यहाँ पर पुट करना है, आई धारा जो है ये एम्पियर में यहाँ पर पुट करनी है और टी ये घंटे में ही यहाँ पर पुट करना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, वाट इंटू घंटा और डिवाइडेड बाई 1000। दूसरे वैल्यू ये है, अगर आपको डायरेक्टली ये चीज़ें दे रखी हैं तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगाएंगे, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको पी की वैल्यू मतलब मान के चलिए वी तथा आई के पदों में नहीं दे रखी है, तो और किसी पदों में दे रखी है, तो वो आपको फॉर्मूले याद हैं तीनों के तीनों, वहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो कॉन्सेप्ट था समझने वाला, ये ख़त्म हुआ, और जो इसके न्यूमेरिकल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तैयार रहिएगा, इनका सभी चीज़ों का रिवीजन कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में आपके करा दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और ऑलमोस्ट आपकी ख़त्म हो चुकी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका क्या बचा है, व्यू बचा है। तो दोस्तों व्यू देखिए होता क्या है, व्यू एक तरह से प्रोजेक्शन ही है। व्यू क्या है, प्रोजेक्शन है। तो दोस्तों प्रोजेक्शन में जैसे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, जो थ्री डायमेंशनल हो, जो थ्री डायमेंशनल नहीं होता, जो 2D होता है, तो उसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें उसमें जो प्रोजेक्शन होते हैं वो कम से कम तीन प्रोजेक्शन बनाने की जरूरत पड़ती है, और उन प्रोजेक्शन को ही हम व्यू बोलते हैं। व्यू क्या होता है, दृश्य होता है, आप उसको कैसे देख रहे हो। तो दोस्तों वहां पर हम क्या करते हैं, जैसे हमने वहां पर फ्रंट व्यू पढ़ लिया, हमने वहां पर टॉप व्यू भी पढ़ लिया, हमने वहां पर साइड व्यू पढ़ लिया, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। दो तीन व्यू हैं, जैसे ऑक्सिलरी व्यू है, सेक्शनल व्यू है, ये चीजें छूटी हुई हैं, तो ये एक या दो वीडियो में कवर हो जाएंगी, इनको हम कुछ टाइम के बाद कर लेंगे। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, जैसे आपका बेसिक साइंस है, ठीक है, बेसिक साइंस आपका ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, ये इलेक्ट्रिसिटी के बाद एक या दो टॉपिक बचेंगे, आपका मैकेनिज्म वाला मशीन वाला बचेगा, उसके बाद आईटी लिटरेसी है शायद, ये एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, बस ये खत्म हो जाएंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मेरे अभी एग्जाम भी खत्म होने वाले हैं, तो मैं आपके मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक या दो दिन में आपको मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। आप बता दीजिएगा जो भी टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना है, या आपको नहीं आता है जो टॉपिक, वो आप बता दीजिएगा, वो हम स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे, और अगर आप नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, और जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी, आपका जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 15 दिन पहले, ठीक है, 15 डेज पहले, मैं आपके सभी टॉपिक के 100-100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, सभी टॉपिक के 100-100 क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, थ्योरी तो हम लोगों ने पढ़ ही ली है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग आप खुद से कर लीजिएगा और करंट अफेयर खुद से कर लीजिएगा, बेसिक साइंस आपका 2 से 3 टॉपिक हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आज पढ़ा है इसका आप रिवीजन कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो न्यूमेरिकल है वो हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। उसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो होगी बच्चों हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके अंदर देखिए आता क्या है, इसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं अबाउट हीटर, हीटर आप जानते होंगे, प्रेस, प्रेस को हम हिंदी में बोलते हैं इस्त्री, बल्ब, बल्ब की जितनी भी कंडीशंस हैं वो सब पढ़नी होंगी, फ्यूज, फ्यूज तार होता है ना, फ्यूज के बारे में हमको पढ़ना होगा, तो इन सारी चीजों के बारे में हमको हीटिंग इफेक्ट में पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है जूल का नियम, जूल ने एक नियम दिया था उष्मा के ऊपर, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो जूल का हमको नियम पढ़ना है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी न्यूमेरिकल वाली, और उससे जो अगली वीडियो होगी वो होगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और मैथ भी एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, जय हिंद, और इनका रिवीजन करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ तो जल्दी आपको मिल जाएगी, और मेरे एग्जाम बस 2 या 3 दिन है, तो उसमें आपको अब डेली वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है। जय हिंद।